दादी। वैसे बड़ा अफसोस होता है यह देखकर कि आपकी इस घर में कोई नहीं सुनता। अरे इधर लाइए, चलो। अरे आप इस घर की बड़ी हैं, कम से कम इस बात का तो लिहाज कर ले लोग। किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे हैं कुछ लोग जानी, ये गोलमोल बातें मत किया करो। जो भी कहना है साफ साफ कहो। ये घुमा फिरा के बात करने वाले लोग मुझे जहर लगते हैं। हाँ बस मुझ गरीब पर ही जोर चलता है आपका, और सुनता कौन है आपकी इस घर में। अरे क्या बात कर रहे हो, मैंने अपने सगे बेटे को अपने घर से निकाल दिया है। उसकी मजाल नहीं है कि मेरी मर्जी के बगैर वो यहाँ आए। शकील साहब। हाँ? शकील साहब बाहर गाड़ी में बैठे हैं और सारा बाजी उनके साथ बैठी हैं, और मुझसे चाय मंगवाई है उन्होंने, और थोड़ी सी बेइज्जती भी की है कि सिर्फ चाय क्यों लेकर आए हो, बिस्किट क्यों नहीं लेकर आए। उसकी ये मचाल, और तुमने उसे चाय बनाकर दी क्यों? अरे मैं तो एक कठपुतली हूँ जो आप लोगों के इशारों पर नाचता हूँ। आपकी पोती ने कहा चाय दे दो तो मैंने दे दी, लेकिन अगर आप मना करेंगी तो आइंदा के बाद मैं चाय नहीं दूंगा। बड़े मासूम बनते हो। मीस ने कहीं क्या? वैसे एक बात बताऊं, चाय बहुत अच्छी बनाता है। अम्मा ने सिखाई है? यास्मीन के हाथ की बनी हर चीज में बहुत जायका है। और तुम्हें बताऊं, जब अम्मा ने मुझे घर से निकाला था ना, मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ना खाने पीने की हुई थी। मैंने दुनिया जहां में गया हर जगह खाना खाया, लेकिन वो जायका नहीं मिला। फिर क्या किया अब्बा? फिर क्या, आदत डाल ली, लेकिन वो जायका आज भी मिस करता हूँ। सारा की बच्ची निकलो। अम्मा दादी, अम्मा बाहर निकलो, बाहर निकलो। तुम अभी तक यहीं हो? मैं पेट्रोल पी रहा, मैं चाय पी रहा था। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ। पकड़ो कप, पकड़ो कप। मैं दो कप पी लूं। खतरनाक बर्ताव। और तुम्हें क्या दावत देनी पड़ेगी जाने के लिए? दादी ये गलत है। मुझे सही और गलत मत बताओ, चली जाओ यहाँ से। मुझे बात करनी है ना। जब मुलाकात का दिन आएगा ना तो कर लेना सारी बातें। चलो जा, जा। अम्मा जान कह रही जाओ तो जाओ ना। दबाओ जो, दबाओ जा यहाँ से। आप आए ना, मैं आपको एक घुमाऊं जरा। निकलो यहाँ से। अच्छा, मैं जा रहा हूँ उधर से बैठ के जाऊंगा ना। चाचा दरवाजा खोलो। दादी का रवैया कितना गलत था। अगर कोई मोहल्ले बाहर देख ले तो क्या सोचता। जैसा ये लोग अब्बा के साथ बिहेव करते हैं ना, ऐसा कोई मुजरिम के साथ भी ना करे। लेकिन एक बात समझ नहीं आई, दादी अचानक बाहर कैसे आ गई? दादी तो कभी बाहर नहीं आती। मतलब पक्का पक्का मकबरी हुई है। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो दादाजी ने मिठाई भिजवाई है दादी के लिए। अंदर है। तुम दे दो ना, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तुम्हें तमीज छू के भी नहीं गुजरी क्या? Excuse me? किसी के घर कुछ लेके आते हैं ना तो तमीज से पेश करते हैं, ये फेंक के नहीं जाते। फेंका कब मैंने? मेरे हाथ में ही तो है। ये फेंकना ही हुआ है, मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी में हूँ। तो क्यों की थी जहमत, मत आते। तुम मुझे तमीज का ताना किस तरह दे रही हो? तुम्हें खुद तमीज नहीं है कि किसी हैंडसम लड़के से किस तरह बात करते हैं? जब देखो लड़ने का बहाना ढूंढ रही होती है। अभी प्यार से भी बात कर लिया करो। मैं ढूंढती हूँ बहाने। तुम ना, तुम रहने ही दो। और जानी इधर आओ, ये मिठाई का डब्बा है, दादाजी ने भेजा, जाके दादी को दे दे। चल जानी इधर आओ, इधर आओ। तुमने दादी को बताया था ना कि मैं बैठी हुई अब्बा के साथ बाहर? नहीं तो? झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुम ही फसाद की जड़ हो। हाँ मैंने ही बोला था। आप क्यों बैठी थी शकील साहब के साथ जब दादी ने मना किया था?
ज्यादा मेरे बाप बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें, मेरी मर्जी जो भी करूँ मैं। हाँ तो आप आजाद थोड़ी है अकेली इस दुनिया में, मैं भी आजाद हूँ, जो मर्जी आएगी करूंगा, क्यों साथ भाई? हाँ बात तो ठीक है। तो मुझे किसने पूछा है? अभी उसी ने तो पूछा है। मैंने पूछा? तुम ना भूलो मत कि तुम एक नौकर हो, अपनी हद में रहो। अच्छा तो आपको लगता है कि आप मुझे नौकर बोलेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा? अरे मैं पैदाइशी नौकर हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता। नौकर कितना समझ रहा है? देख रहे हैं साथ भाई इनका रवैया, अभी किसी इंसानी हकूक की तंजीम से बात करके इनकी शिकायत कर दी ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी इनकी। ये तो मेरा बड़ापन है जो मैं बोलता नहीं हूँ और बर्दाश्त कर लेता हूँ। तुम्हें एक भाइयों वाला मशवरा दूँ, किसी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेन करी दे। अब जाओ और दादी को दे आओ। बात तो ठीक कर रहे हैं। देखो तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम पर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि उल्टा तुमने मुझे बुरा भला कहा था और एक एक चीज उठा उठा के मारी थी। एक मशवरा दूं, अब्बा को ना माफ कर दें। मुझे इस टॉपिक पर तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारे अब्बा को अम्मा जान ने निकाला था इस घर से, मैंने नहीं, उनसे जाके बात करो। ये बड़ा अनोखा काम है ना जो हमारे ही घर में हुआ होगा शायद, कि माँ ने अपने सगे बेटे को तो निकाल दिया लेकिन बहू को रख लिया। अगर किसी को असल में वुमेन एम्पावरमेंट देखनी है ना तो हमारे घर तशरीफ ले आए। तुम्हें इतना एतराज है तो जाके दादी से बहस करो ना। दादी ने अब्बा को आपकी वजह से निकाला था और अब्बा की वापसी आपकी माफी पर डिपेंडेंट है। मैं तो नहीं माफ करने वाली। क्यों नहीं माफ करेंगी? जब जानी जैसा अजनबी हमारे घर में पला है तो अब्बा को क्यों निकाला हुआ है? अम्मा आपकी जो रहम दिली का क्राइटेरिया है ना, मेरी समझ से बाहर है कि अपनों को डांटो और गैरों में बांटो। तो कभी अपने अब्बा से सवाल किया है? अरे उन्हें घर से निकाला था, वापस भी तो आ सकते थे, लेकिन वो तो चले गए मलेशिया। 10 साल के बाद शक्ल दिखाई उन्होंने। वो बिजनेस के लिए गए थे, हमारे फ्यूचर के लिए। अब देख लेना कितनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं, उन्हीं 10 साल की मेहनत है ये। और भूले मत कि ये घर और इस घर के एक्सपेंसेस अब्बा के पैसों से चलते हैं। तुम शौक से अपने अब्बा की करो तरफदारी, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रही हूँ, इसके बाद मुझसे इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करोगी तुम। तुम्हारी मरहूमा दादी चाहती थी कि तुम्हारी शादी सारा से हो। दादा ये बात तो भूलने नहीं वाले। अगर अब्बा को ये बात पता लग गई तो मेरी तो खैर नहीं। काश उस सारा की शादी जल्द से जल्द हो जाए, किससे ही क्लोज हो, खत्म। तुम्हें भी मेरी वाली आदत लग गई है क्या? वो मैं एक बात सोच रहा था। गुड, ऐसे ही सोचा करो, मैं बता रही हूँ। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि जब आप कुछ बोलते हैं तो सबसे पहले किसके कान सुनते हैं? किसके? आपके अपने कान। हाँ, अपने कान, अपने कान। अब तुमसे एक बात पूछूं? जब तुम्हें पता है कि मुझे बुरा लगेगा तो क्यों पूछ रहे हो? चलो पूछो। वो तुम्हारी तुम्हारी शादी का क्या सीन है? मन का मकसद क्या है? हाँ तुम मेरी माँ लगे हुए हो, जितने फिक्रमंद हो मेरे लिए। नहीं नहीं तुम समझ नहीं रही हो। मैं क्या नहीं समझ रही? एक मिनट, तुम मुझ पे लाइन मार रहे हो? तुम पे लाइन मारने से बेहतर है मैं छत से नीचे छलांग मार दूं। तुम ट्राई तो करके देखो, मैं तुम्हें खुद नीचे फेंक दूंगी। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? एक बात ही तो पूछी है। पूछ क्यों रहे हो? एक लड़का है मेरा दोस्त, अच्छा लड़का है। तो मैं क्या करूं? कहो तो
तुम्हारे घर वालों को उसके घर वालों से मिलवा दूं? ऊपर दौड़। क्यों? पहले मुझे जॉब करनी है, ढेर सारा पैसा कमाना है। जब फाइनली सेंस ऑफ फ्रीडम आ जाएगी तो शादी का भी सोच लूंगी। वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बहुत तंग हूँ अपने घर वालों से। मैं भी। तुम क्यों परेशान हो मेरे घर वालों से? इडियट, तुम्हारे नहीं, मैं अपने घर वालों से परेशान हूँ। अब जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ। हाँ मैं जाता हूँ। सर ये एचआर वालों ने भेजा है, इस पे तुम्हारे साइन चाहिए। ये क्या है? तुमने रिक्वेस्ट की थी ना कि तुम्हारे डिपार्टमेंट में एक असिस्टेंट मैनेजर की जगह खाली है, तो बस उसकी हायरिंग चल रही है। और हाँ, तुम्हारा नया रूम भी रेडी हो गया, तो तुम कल वहां शिफ्ट भी हो रहे हो। ग्रेट। I hate this room, but I love my people. तुम आज शाम क्या करियो? मैं आज रात कुछ खास नहीं। क्यों? तो कुछ खास करते हैं। How about dinner at 8? कुछ नहीं, इस प्लेट के किनारे पहले से ही टूटे हुए थे। अरे एक ही दफा आग लगा दो, एक एक करके मेरे जहेज के सारे बर्तन तोड़ दिए इस कमबख्त ने। हेलो मियां, प्लीज मेरी जॉब लगवा दे, ताकि इस सर्कस से मेरी जान छुटे। क्या है साथ जोकर को? रुक। मार गए, क्या कर सकते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, हमारा बच्चा बच गया। साथ मियां, बेटा सच सच बताओ, तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? देखो। नहीं दादाजी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमारा बच्चा बच गया है भाई, गाड़ी की खैर है। कैसे खैर है अब्बाजी? उसका पीछे से बेड़ा गर्क हो गया, बत्ती टूट गई है, डेंट लग गया है, हजारों रुपए का खर्चा है। बेटा जान से बढ़कर तो नहीं है हजारों रुपए? तो अब्बाजी इसे ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए ना। इसमें मेरी क्या गलती है अब्बा जी? हाँ तुम्हारी तो कभी गलती होती ही नहीं है। बाइक वाला पीछे से मार गया, मैं क्या करता? साथ ये पहली मर्तबा नहीं है जो तुमने गाड़ी मारी है। अरे मियां, आज तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये पुरानी बातें क्यों कुरेदते हो तुम? अरे भाई जब नहीं ये बच्चा गाड़ी सीख रहा था तो गाड़ी लग गई थी इससे, हमसे भी लगी, सबसे लगती है, कौन सी नई बात है? अच्छा अब्बा जी, तो आपने मुझे गाड़ी सिखाई थी, आप खुद बताएं मैंने एक बार भी गाड़ी मारी? अरे मियां तुम्हारी बात कौन कर रहा है, तुम तो सुपरमैन हो। और आप एक काम करें कि आप बहू रानी का लाल दुपट्टा ले और गले में बांध के पूरे मोहल्ले का चक्कर लगाएं, सुपरमैन बनके। देखे अब्बा जी, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ और आप क्या कर रहे हैं? देखे अब्बा जी, आप टेंशन ना ले, मैं कल जाते हुए ठीक करवा लूंगा। हाँ बनवाना, ठीक करवाना, अपने खर्चे पे, मैं कुछ नहीं दूंगा। हाँ करवा लूंगा। अरे मेरे बेटे, मैं दे दूंगा यार पैसे,
असल में ये खड़ूस बुड्ढा हो चुका है तुम्हारा बाप। आप उनको बुड्ढा कह रहे हैं? बुड्ढा नहीं, बुड्ढा खड़ूस। भाई मैं तो बुड्ढा हूँ, तुमने कभी मुझे देखा कि मैं बूढ़ों वाली हरकतें करता हूँ? हमेशा यंग रहता हूँ, हंसता हंसाता रहता हूँ जी। मेरे ख्याल से उसी मोटरसाइकिल वाले का फोन आया है। करो बेटा करो। हाँ करो। हाय बेबी। साथ में रेस्टोरेंट पहुंच गई हूँ। अब इतनी जल्दी थी मुझसे मिलने की? तुम कहाँ हो? तुम बस 20 तक गिनो, मैं बस आया। ओके बाय। तुम्हें ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा? नहीं, मैं तुम्हारे लिए ना पूरी जिंदगी में वेट कर सकती हूँ। वाकई? हाँ अनम, कहाँ पर हो? कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। मैंने कब की शॉपिंग कर भी ली है, तो कब तक आओगी? या आधा घंटा? कब से वेट कर रही हूँ, प्लीज जल्दी आ जाओ। ओके ओके बाय। आधा घंटा। मेरी जैकेट कैसी लग रही है? तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। As usual? As usual. ये साथ है? अरे साथ, तुम यहाँ? सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो? जो सब यहाँ करने आते हैं, मॉल में शॉपिंग और रेस्टोरेंट में डिनर। ये भी ठीक है। तुम अपने दोस्त से मेरा तारुफ नहीं कराओगे? जरूरत नहीं है अब, लेकिन मैं करवा दूंगा। सिद्रा मीट सारा, सारा मीट सिद्रा। अब प्लेजर टू मीट यू। लाइकवाइज। वैसे साद, मुझे तुम्हारा थैंक यू करना था। नहीं, मैं तुम्हारे खाने का बिल नहीं दूंगा। नहीं नहीं, वो तुमने मुझे अपनी कंपनी में जॉब का बताया, उसका थैंक यू कहना था। अब तुम पहले इंटरव्यू तो दो, उसके बाद इफ यू आर केपेबल इनफ तो कंपनी जरूर हायर करेगी। हाँ वो तो हो ही जाएगा। चले मैं चलती हूँ। और बाय द वे, गुड लक फॉर व्हाट फॉर एवरीथिंग। बाय। शी मींस आई एम एवरीथिंग दैट यू वांट इन अ मैन। By the way, she's right. Oh, yes, yes. Smart girl. Yes. तुम ये पियो ना, फिर हम ऑर्डर करते हैं। वेटर। मैं इंटरव्यू के लिए चली तो जाऊं, मैं एलिजिबल भी हूं उस पोस्ट के लिए और मेरी तैयारी भी फुल है, लेकिन फिर भी अगर ऊपर से कॉल करवा दी जाए तो उसमें बुराई क्या है? बुराई ये है कि ये सिफारिश कहलाई जाएगी और मुझे सिफारिश नहीं करवानी। लेकिन सिफारिश कैसे हुई? मैं तो डिजर्विंग हूं। ये सिफारिश नहीं होगी, बस थोड़ा सा पुश करवाना होगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये सिफारिश नहीं होगी। अरे सारा बेटी। अस्सलाम वालेकुम दाजान। अरे जीती रहो बेटी, आओ 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 बैठो। दाजान। हाँ मेरी बेटी। मुझे ना आपसे काम है। अरे बेटा
मुझ जैसे बेकार आदमी से भला किसी को क्या काम हो सकता है। दादा जान आप बेकार नहीं है, बल्कि मुझे जो काम है ना वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अल्लाह खैर करे, ऐसा कौन सा काम पड़ गया भाई? दादा जान आज मेरा एक जॉब इंटरव्यू है। जॉब यानी नौकरी करोगी? तो आओ, तुम्हें क्या जरूरत है नौकरी करने की? अपने बाप से कहो तुम्हें पैसा भेजते रहे और घर में बैठ के आराम करो। वो मुझे पॉकेट मनी तो देते हैं ना। तो उससे कहो उसको डबल कर दे। तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, करोड़पति है वो। कॉस्मेटिक का काम है उसका, लिपस्टिक रूज और पता नहीं क्या क्या बेचता है वो। मगर दादा जान बात पैसों की नहीं है ना। तो फिर मैं खुद घर से निकल के कुछ करना चाहती हूँ, थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहती हूँ। मैं इस दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहती हूँ। दादा जान मैं चाहती हूँ मेरे तजुर्बात मेरे अपने हों, अब्बा के पैसों से ना हो। और वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता अब्बा से पैसे लेना। अब मैं चाहती हूँ मैं जो भी खर्चा करूँ ना अपने पैसों से करूँ। अरे जीती रहो मेरी बेटी, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। ऐसा ही होना चाहिए बेटा, जो बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लिख के बालिग हो जाएं और काम करने के लायक हो तो उनको काम करना चाहिए, अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए। वाह वाह वाह, खुश कर दिया। बताओ अब क्या काम करना है? देखे दादा जान, मैं जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ ना, वो साथ की कंपनी है, बल्कि साथ ही का डिपार्टमेंट है। तो बच्ची मुझे पहले बता देती, मैं साथ से कह देता। इसलिए तो आपके पास आई हूँ। तो पर मुझे बताओ मुझे क्या करना है, क्या कहना है उसको? देखे मैं हर लिहाज से इस जॉब के लिए एलिजिबल तो हूँ, वो तो पता है मेरा। लेकिन बस आपको थोड़ा सा पुश करना होगा। थोड़ा सा पुश? तारा बेटी, साथ को तो मैं इतना पुश करूंगा कि उसकी साथ पुश तैयार रखे। फिकर मत करो, तुम ना मेरे मरहूम दोस्त अब्दुल शकूर की पोती हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो, बस समझो तुम्हारा काम हो गया। थैंक यू दादा जान, आई लव यू। अच्छा मुझे निकलना है, ऑफिस पहुंचना है। सुनो 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 सुनो, एक काम जरूर करना है, तुमने आयतल कुर्सी पढ़ते रहना है और दुरूद शरीफ पढ़ते, फिर तुम्हें साथ की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दादा जान यू आर द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के हवाले। जी दादाजी, खैरियत? भाई साथ में यार तुमसे एक काम पड़ गया बेटा। दादाजी अभी मैं ऑफिस में हूँ। अरे बेटा ऑफिस का ही काम है। ऑफिस का क्या काम है? अरे बेटा वो हमारी लाडली है ना सारा, वो आ रही है इंटरव्यू के लिए, जरा देख लेना। क्या देख लूं? अरे बेटा बस नौकरी दिलवा देना उसको, और क्या देखना है। दादाजी मेरे बाप का ऑफिस नहीं है। अबे ओ दिमाग को जरा ठिकाने में रखो, मैं भी तुम्हारे बाप का बाप हूँ, समझ रहे हो? लेकिन उसने आपको क्यों कहा है? अरे भाई क्यों ना बोले, वो मेरे जिगरी यार की पोती है। मेरा यार तो मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मैं तो हूं ना उसके लिए, जैसा कह रहा हूँ वैसा करना होगा। अच्छा ठीक है दादाजी, मैं देख लूंगा। देख लूंगा नहीं, देखना पड़ेगा। घर का मामला है, तारा भी घर की बच्ची है। घर की बच्ची फिर भी नहीं है। अच्छा वो तू भूल गया जो तेरी दादी की ख्वाहिश थी? अच्छा ठीक 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 है दादाजी, अब मैं काम कर लूं? हाँ काम जरूर करो, लेकिन प्रायोरिटी पे ये काम करना है, ठीक है? ओके खुदा हाफिज़। देख लूंगा का बच्चा। आइए कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। इनको किसने शॉर्टलिस्ट किया? इनको हमने किया है, इनकी सीवी बहुत अच्छी है और इनकी जीपीए भी 4 है। कट। तो मिस सारा अपने बारे में कुछ बताएंगी आप? अब मैं आपको क्या बताऊं सर, इनको तो सब पता है मेरे बारे में, इनको तो ये तक पता है कि मैं सोचते हुए बहुत बोलती हूँ। हाँ
एक्चुअली सर, हम लोग ना एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हैं, बचपन साथ ही गुजारा है। मिस सारा, ये एक फॉर्मल इंटरव्यू है, प्लीज बिहेव अकॉर्डिंगली। I'm really sorry. वो मैंने मास्टर्स किया हुआ है, फाइनेंस इज माई फील्ड ऑफ स्टडी। इससे पहले मैं दो जगह इंटर्नशिप कर चुकी हूँ और सर्टिफिकेट्स तो आपको ईमेल भी कर चुकी हूँ, तो आप प्लीज़ चेक कर लें। हाँ सारा, वो तो हमने देख ली हैं। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो अपने साथ लाई होंगी? जी जी बिल्कुल। तो ऐसे कीजिएगा कि यहाँ से जाते हुए HR से हो लीजिएगा और वहाँ पर उनको वेरीफाई करवा लीजिएगा। थैंक यू एंड वील गेट बैक टू यू इंशाल्लाह। ओके सर। आपकी सिलेक्शन हुई तो आपको HR की तरफ से कॉल आ जाएगी और ईमेल भी आ जाएगी। ओके ओके थैंक यू। तो कैन आई लीव नाउ? जी शुक्रिया। अरे तुम तो वही हो ना जो उस दिन रेस्टोरेंट में साथ के साथ। I'm sorry, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। नो इट्स ओके। अच्छा सुनो, एक बात पूछूं तो बुरा तो नहीं मानोगी? तुम दोनों को चल रहा है क्या? एनी प्रॉब्लम? नहीं, साथ पसंद करता है मुझे। क्या? साथ तुम्हें पसंद करता है? आई मीन व्हाट्स सो फनी? नथिंग नथिंग। अरे लेकिन कुछ नहीं सॉरी। इसको क्या हुआ? पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग। वैसे दादी, अगर इतनी खिदमत मैंने अपनी सगी माँ की होती ना, तो आज जन्नत तो पक्की थी। आपकी खिदमत करके तो जिंदगी जहन्नुम होती जा रही है। ये जो तुम्हारी जबान है ना, दर्जी की कैंची की तरह हर वक्त चलती रहती है, इससे जरा लगाम दे के रखा करो। नौकर हो, नौकर बन के रहो। नौकर नहीं हूं मैं, गुलाम हूँ। गुलाम एक ही बात है। एक बात नहीं है दादी, एक बात नहीं है। नौकरों को तनख्वाह दी जाती है, उनकी अपनी मर्जी होती है कि वो जब चाहे काम छोड़कर जा सकते हैं। मुझे तो ना तनख्वाह मिलती है और ना ही छोड़कर जाने की ऑप्शन है मेरे पास। अरे तो दफा हो जाओ यहाँ से, किसने रोका है तुम्हें? कहाँ जाऊँ, ना बाप का पता है, ना माँ का पता है, ना शिनाख्ती कार्ड है, ना ड्राइविंग लाइसेंस है। जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हमारी बला से जहन्नुम में चले जाओ। हाँ जहन्नुम में ही जाना है तो यहाँ ही रह जाता हूँ। एक ही बात है। क्या? और ये आज स्त्री वाले कपड़े पहनकर बाल बना के हीरो की तरह कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बाप की बारात आ रही है। अरे काश बाप की बारात आ रही होती तो उनको मैं भरी महफिल में रोक कर पूछता कि जुल्म मेरे पे क्यों किया है, क्यों इन जालिमों के आसरे मुझे छोड़ दिया, तन्हा अकेला मजलूम। ये जो पुरानी फिल्मों की मजलूम हीरोइनों की तरह डायलॉग बोलते हो ना, बंद कर दो ये डायलॉग्स। ये डायलॉग नहीं है दादी, मेरे दिल की आवाज है, दिल की आवाज। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मुझे अगवा किया है। अगवा? अरे अगवा उनको किया जाता है जिनसे कुछ हासिल वसूल हो। तुम तो निरा बोझ हो हमारे सर पे। ये तो यास्मीन की ख्वाहिश थी कि तुम्हें यतीम खाने में न जमा करा दिया जाए। देख लो आज इस घर में अयाशी कर रहे हो। अयाशी? अयाशी क्या बात है दादी। दादी आज के लिए ना इतनी कॉमेडी बहुत है, और मेरे से बर्दाश्त नहीं होगी, नहीं होगी। अच्छा तुम भी अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हो? बदतमीज कहीं का, हर वक्त जबान चलती रहती है दर्जी की कैंची की तरह। नाजो अब्बा जी दे कपड़े इस्त्री करने ने नाजिया किथे मार गई है? मां सदके तुसी केड़ी पार्टी ते चले हो? आज मेरी सालगिरह है।
वाह ज्यादा तेली ते शौक ने भाभी। अरे आपको जो कहना है कह लें, मैं आज घर का कोई काम नहीं करूंगी। अच्छा जी, तो खाना कौन पकाएगा? यार साहब को मटन कोरमा आपके फुफड़ आके बना के देंगे। अरे आपको खाने के अलावा और कुछ दिखता नहीं है? जिंदगी में और भी बहुत कुछ है खाने के अलावा। अच्छा जी, बताइए क्या है जिंदगी में खाने के अलावा, आज मुझे पता चल ही जाए। अरे मुझसे क्यों पूछ रही हैं? आप खुद देखें, आपको नजर नहीं आता? नहीं मुझे तो नहीं नजर आता। जिंदगी में क्या है जी खाने के अलावा, टेंशन और बकवास के अलावा क्या है मुझे बताइए। फहराल मैं आज घर का कोई काम नहीं करूंगी। आपको खाना पकाना है तो आप खुद पका लें। तेरी बर्थ ऑफ डेट ते लानत। काम चोर जाई। हाय अब क्या होगा, मैंने पकड़ा पाएगा? सारा सारा तुम्हारा दिमाग ऊपर इंटरव्यू में इतना फ्री क्यों हो रही थी? मैं फ्री हो रही थी? मैं तो बस यही बता रही थी कि हम घर में ऊपर नीचे साथ रहते हैं। क्यों बता रही थी? क्योंकि ये बात सच है। और इंटरव्यू से पहले दादाजी से कॉल करवाने का क्या तुक था? वो तो मैंने एहतियातन करवाई थी, वरना तो मुझे खुद पे पूरा यकीन है। और अभी ऑफिस से निकलते हुए सिद्धरा को क्या बोला तुमने? उसने तुम्हें बता भी दिया? बड़ी तेज सर्विस है भाई। सारा तुमने सिद्धरा को क्या कहा है? मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, वो उल्टा मुझे बताई थी कि साथ मुझे पसंद करता है। तो मेरी इस बात ही छूट गई और कुछ भी नहीं कहा भाई। तुम्हें मैंने इस जॉब के बारे में सिर्फ इसलिए बताया क्योंकि मैं तुमसे हमदर्दी दिखा रहा था। डोंट मेक मी रिग्रेट इट। ओए 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 ओए, हमदर्दी का जज्बा तुम्हारे अंदर भी है? ये तो ब्रेकिंग न्यूज है उस्ताद। सारा ये मेरा ऑफिस है, यहाँ इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ पता है तुम्हारा ऑफिस है, और अगर थोड़ी देर यहाँ खड़े होके तुमने मुझसे बात की तो ऑफिस वाले समझेंगे कि हमारा अफेयर चल रहा है। और मुझे कोई शौक नहीं कि तुम जैसे इंसान का अपना स्कैंडल बनवाऊं। ज्यादा खुशफहमी में आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ ऐसा कोई नहीं समझेगा। ऐसा ही लगेगा, मैं बता रही हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। उठ जाएं, उठ जाएं, सुबह हो गई है, उठें। गुड मॉर्निंग। किस बात की गुड मॉर्निंग? मेरा दिमाग खराब हुआ चला जा रहा है, अब मजीद नहीं छुपा सकती। बस थोड़ा सा सबर कर लो, मैं मौका महल देखते घर वालों से बात करूंगा ना। मैं कब से यही कहानियां सुन रही हूँ, ऊपर से जब आपके घर जाती हूँ आपकी अम्मा जान शुरू हो जाती है। संजीदा बेटा शादी कब करोगी? मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। देखो तुम्हारा वहाँ जाना जरूरी है, तुम जाओगी ना तो वहाँ मुझे खबर मिलती रहेगी, वरना मेरा तो दाखला ही ममनू है वहाँ पर। तो मैं क्या करूँ, मेरी अपनी कोई जिंदगी नहीं है, बस सिर्फ आपके लिए जासूसी करती रहूँ? अरे जासूसी की क्या बात है, मियाँ बीवी तो एक दूसरे के काम आते है ना। जी 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 जी, मैंने तो जब से आपसे शादी की है मेरा सिर्फ नुकसान हुआ है। एक तो आपने मेरा बच्चा खो दिया। अरे खोया नहीं था, वो तो अगवा हुआ था। अगर तुम कहती हो तो हम एक और प्लान कर सकते। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। ठीक होने की भी इंतहा होती है। होती है? कह रहे हैं खोया नहीं था, अगवा हो गया था। शकील मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और सबके बाद आप सबको छोड़ छाड़ के इतने सालों के लिए मलेशिया भाग गए थे। मेरा ही कसूर है, मैंने अपना बच्चा आपके आसरे में छोड़ा। अरे संजीदा रो मत ना, वो मेरा भी तो बच्चा है, मेरा मतलब था। दिन ऐसा नहीं गुजरता है कि मैं उसके बारे में ना सोचूं। पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा। रो मत ना। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, तो बस वो टेंशन देगी, स्किन भी खराब हो गई होगी। अरे
आई बैच बन गया, ये टेंशन से बड़ी स्किन खराब हो जाती है। सही है। हाँ। हाय हाय।